श्री महालक्ष्मी नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको धन त्रयोदशी से संबंधित जानकारी दूंगा। धन त्रयोदशी पर कौन सी ऐसी चीज़ें घर में रखनी चाहिए जिनका विशेष महत्व माना गया है। अगर आप ये चीज़ें घर में रखते हैं तो आपके घर में 7 पीढ़ी तक भी कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। धन के साथ साथ संतान, सुख और अनेक प्रकार के ऐसे दोष हैं जो घर में उत्पन्न होते हैं जिनकी वजह से कई प्रकार की परेशानियां आ जाती हैं। अक्सर हमारी ज़िंदगी में कभी जब ऐसे मूड आ जाते हैं, कई ऐसे दोष होते हैं घरों में या हमारे ऊपर जिनकी वजह से अनेक प्रकार की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। घर के अंदर अशांति का माहौल हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। इंसान अच्छी खासी मेहनत करते हैं लेकिन उसे धन की प्राप्ति नहीं हो पाती, वही कर्ज चढ़ता चला जाता है। इंसान जितना कर्ज चुकाता है उससे ज़्यादा कर्ज उस पर बढ़ जाता है। पैसा आता है लेकिन किसी बीमारी में या किसी भी चक्कर में पानी की तरह चला जाता है। कई ऐसे दोष होते हैं जिनकी वजह से इंसान चक्रव्यूह में फंस जाता है, मुसीबत के चक्रव्यूह में फंस जाता है। अगर कुछ चीज़ें आप घर में रखते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, आ रही सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। कई बार घर के दोषों के कारण, कई बार हमारे कुंडली के दोषों के कारण, कई बार हमारे किए गए कर्मों के दोषों के कारण इंसान को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कर्म करते रहना चाहिए। कर्म और धर्म दोनों ही बातों पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी गृहस्थी को भी पालें, साथ ही ऐसे उपाय भी साथ में करते रहें जिससे गृहस्थ जीवन में कभी भी कोई प्रकार किसी प्रकार की परेशानी ना आए। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप ये घर में रखते हैं तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा, वह आपकी प्रत्येक प्रकार की परेशानियाँ, कठिनाइयाँ, मुसीबतें सब दूर होंगी। आपको धन प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, उसके साथ साथ घर में सुख शांति भी रहेगी। बहुत ही अच्छा महत्व है इनका। सबसे पहली जो चीज़ है विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि धन त्रयोदशी वाले दिन सुबह स्नान करते ही सूर्यदेव को अर्घ देना है। उसके बाद में आपको एक मूर्ति ले आएँ माता लक्ष्मी और गणेश जी की, साथ में एक तस्वीर लेकर के आएँ जिसमें धनवंतरी भगवान भी हो, कुबेर जी हो और गणेश लक्ष्मी जी भी हो, ये फोटो भी ला करके रख लें। अब आपको सबसे पहले दूध से स्नान कराना है, उसके बाद में शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि चंदन का घोल तैयार कर लें, उसमें थोड़ी सी केसर डाल लें और लौंग, इलायची, थोड़ी सी पीली मिठाई और साथ ही आप मीठा पान भी ला करके रख लें। 5 चीज़ें आपको ला करके रखनी है। हत्ता जोड़ी, अगर हत्ता जोड़ी आपको मिल जाती है तो आप जरूर ला करके रखें, इसका विशेष महत्व है, विधि में बताऊंगा कैसे रखना है। पीली कौड़ी, 11 पीली कौड़ी कम से कम हो, 11 कमलगट्टे, 5 गोमती चक्र, 5, 7 या 11 गोमती चक्र हों, थोड़े से रक्त गुंजा भी हों, रक्त गुंजा आप इनके साथ रख सकते हैं, अलग से नहीं रखे जाते। साथ ही एकाक्षी नारियल, ये सामान आप लेकर के रख लें। और साथ ही आपको लेना है यंत्र, संपूर्ण वास्तु दोष निवारण यंत्र, संपूर्ण कष्ट निवारण यंत्र, इनमें से कोई से भी आए, इसके अंदर 20 यंत्र होते हैं, 13 होते हैं और 20 का भी आता है, तो ये आप लेकर के आएँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो यंत्र लेकर के आएँ उसको भी दूध से स्नान करा लें भगवान के साथ में, सबको विराजमान कर दें। फिर जो सामान आपने लिया आए सब पर आपको रोली के छींटे मारने, केसर में और चंदन घोल करके, अष्टगंध का या पीला चंदन घोल करके उसके भी आपको छींटे मारने हैं। श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है। सबसे पहले आप भगवान गणेश जी को नमस्कार करेंगे, श्री गणेशाय नमः, या एक दंताय विष्णुवक्त्रादिमि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करेंगे। और उसके बाद में श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का या जाप करेंगे, श्री कुबेराय नमः, श्री धन्वंतरे नमः, ओम धन्वंतरे नमः, ऐसे आप मंत्रों का, उनके बीज मंत्रों में नाम मंत्रों का जो उच्चारण करेंगे। उसके बाद में आप सभी सामान पर रोली के टी और हल्दी के
वो छींटे मारेंगे, टीका लगाएंगे, और वहीं पर आपको दीपक जला देना है, एक चौमुखी दीपक या एकमुखी दीपक आपको जला देना है। उसके बाद में आपको एक माला जाप करना है, एक माला, दो माला, पांच माला, जितने भी बस की है, आप श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। ओम गंगणपते नमः मंत्र का पहले जाप करना है, उसके बाद श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपते च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री शुक्ले महाशुक्ले कमल दल निवासे श्री महालक्ष्मी नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा शुभ योग है, और आप यह सामान घर में रखेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। अब आप जब यह जाप कर लेंगे तो पीली मिठाई पर इलायची रखें, थोड़ी सी केसर डालें और यह भगवान को भोग लगा दें। दीपक जलाते समय उसमें आपको दो लौंग डालनी है, और जब भोग लगाएं तो मीठा पान में दो लौंग लगा करके भगवान को भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद में आप प्रसाद के रूप में इनका प्रयोग कर सकते हैं। जब आपका ये काम पूरा हो जाए, फिर आपको एक तेल का दीपक लेना है, तेल का दीपक लेना है, एक पान का पत्ता लेना है साबुत, और उस पर एक बूंदी का लड्डू रखना है, उस पर लड्डू के ऊपर सात रोली के टीके करने हैं, बिंदी लगानी है, और उसे ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे रखना है, और दीपक जला करके सात परिक्रमा आपको पीपल वृक्ष की करनी है, अपनी मनोकामना बोल करके, जो भी आपके मन में कामना है। सुबह के समय आप गौ माता को रोटी गुड़ खिला करके जरूर आए। धन त्रयोदशी वाले दिन आप शुभ कार्य कोई भी कर सकते हैं। धन त्रयोदशी की पूजा का शुभ मुहूर्त व सामान खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या है, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वीडियो भी आपको इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी, वहां जाकर के आप जरूर देखें। उसमें मैंने दीपावली और धन त्रयोदश के शुभ मुहूर्तों की पूरी जानकारी दी है। तो आप ये पांच चीजें ला करके जरूर रखें, जब आपका जाप पूरा हो जाए, ये लगातार आपको धन त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक इनका जाप करना है। दीपावली के बाद दूसरे दिन गोवर्धन व अन्नकूट वाले दिन ये पीले कपड़े में बांध करके आप तिजोरी में रख दें, गले में रख दें, और यंत्र अपने मंदिर में रख दें, फिर देखना इतना प्रभाव इनका होता है, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, और साथ ही घर के अंदर से सारे दोष दूर हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मुसीबतें दूर हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा ये उपाय है, आप धन त्रयोदशी वाले दिन ये चीज़ें जरूर रखें, साथ ही आप दीपावली तक इनकी पूजा करते रहें, फिर देखना कितना चमत्कार होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, साधारण सी ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप जरूर लेकर के आएँ, और सारी चीज़ें ना मिले तो इनमें से दो तीन चीज़ें तो आप जरूर रखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, माता की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। जय माता दी।